अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th, द नॉर्थ शिप जो हमने रीडिंग की थी उसकी हमने एक्सरसाइज करनी है अभी। तो पेज नंबर है आपका टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 144, आपने ओपन करना है पेज नंबर 144 टेक्स्ट बुक से। तो कॉलम सी है यहाँ पे लर्निंग अबाउट लैंग्वेज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। एडजेक्टिव क्या होती हैं? एडजेक्टिव जो किसी भी क्वालिटी को शो करती हैं, ठीक है, इसे उर्दू में इसम सिफ्त कहा जाता है। और एडवर्ब जो वर्ब के साथ ऐड होके उसके मीनिंग में इजाफा करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है हमारे पास, डू यू रिमेंबर मेकिंग एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स फ्रॉम नाउन्स? बिलो इज़ अ लिस्ट ऑफ सम नाउन, राइट डाउन द एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स फॉर्म्ड फ्रॉम ईच नाउन। Use the nouns in sentences of your own. You may have to change the form of some of them. जैसे example दी हुई है disgrace. Disgrace हमारे पास noun है, ठीक है। Disgrace क्या है? Noun. तो disgraceful ये इसकी adjective होगी, और disgracefully जिसके last पे ly add हो गया वो हो गया adverb, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये noun दिए हुए हैं सारे, तो आपने इसकी एक लिखनी है adjective and second लिखना है adverb, ठीक है। पहला word है हमारे पास courteous. Courteous means आपने इसकी एडजेक्टिव और एडवर्ब जब लिखोगे तो कवर्डली और कवर्डली, उसके बाद डेंजर, डेंजरस और डेंजरसली। थर्ड वर्ड है एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटली, ठीक है। एक्सीडेंटल मतलब एडजेक्टिव होगी और एक्सीडेंटली हमारे पास एडवर्ब हो गया। मॉडेस्टी, मॉडेस्ट, ठीक है, ये हमारे पास आ गई एडजेक्टिव और मॉडेस्टली एडवर्ब। उसके बाद एडमायरेशन, एडमायरेबल, एडजेक्टिव, एडमायरेबली, ये हमारे पास आ गया एडवर्ब। स्किल, स्किलफुल, एडजेक्टिव हो गई, स्किलफुली एडवर्ब। सिंप्लिसिटी, सिंपल हो गया एडजेक्टिव और सिंपली एडवर्ब। हरी, तो हरेड हो गया हमारे पास एडजेक्टिव और हरेडली हमारे पास हो गया एडवर्ब, ठीक है। तो ये आपने नोट करने हैं, इसके साथ साथ मतलब नाउन आपको दिए हुए हैं और नाउन का आपने बताना है एक एडजेक्टिव एंड सेकंड आपने एडवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कॉन्टेन मिस्टेक्स, करेक्ट दोज डैट आर रॉन्ग। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसमें से आपने मिस्टेक्स को अंडरलाइन करना है और उनको ठीक करके लिखना है। जैसे फर्स्ट आपके पास एग्जांपल है द एलिफेंट हैड अ मैन ऑन इट्स बैक। अब इट्स का वर्ड जो है ये ठीक नहीं है, इसमें मिस्टेक है, आपने इसको करेक्शन करनी है। इट्स को अंडरलाइन करो और ऊपर इस तरह से इट्स आएगा, यानी उसमें अपोस्ट्रॉफी जो यूज़ हुई है वो नहीं होगी, तो इट्स आप ठीक करके लिखोगे। सेकेंड, द मैन सोल्ड बटन्स एंड हुक्स, यहाँ पे बटन्स और हुक्स इनको आप चेंज करोगे। उसके बाद दिस ईयर स्टूडेंट्स आर वेरी क्लेवर, आप ईयर्स लिखा हुआ वर्ड तो आप इसे चेंज करोगे, ये आ जाएगा ईयर्स आएगा आपके पास, दिस ईयर इज, यहाँ पे ईयर इज आ जाएगा। उसके बाद डी वाला, द लेटर वाज साइंड योर ट्रूली, यहाँ पे योर्स जो है इसको आपने ठीक करना है, ठीक है। उसके बाद आवर्स इज़ द येलो कार, तो आवर्स जो है इसको आप चेंज करोगे, अपोस्ट्रॉफी नहीं आएगी। ही इज़ अ गुड बॉय, ही इसको आप चेंज करोगे तो ये आ जाएगा ही इज़, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसी के नीचे है ऐड अपोस्ट्रॉफी टू द फॉलोइंग, तो आपने अपोस्ट्रॉफी यूज़ करनी है। जैसे फर्स्ट है मेंस शूज़, अब मेंस में एस से पहले एन के ऊपर आपने अपोस्ट्रॉफी ऐड करनी है। उसके बाद बी वाले में अ डॉग्स बोन्स, सी वाला है हीरोज़ रिवार्ड, हीरोज़ में एस के बाद अपोस्ट्रॉफी है, ठीक है। उसके बाद डी वाला द वुमेंस कोर्ट्स, वुमेंस में एन के ऊपर अपोस्ट्रॉफी और एस से पहले, यहाँ पे है प्रवीन्स कार, तो प्रवीन्स एन के ऊपर और एस से पहले है। बर्ड्स नेस्ट, बर्ड्स में एस के बाद अपोस्ट्रॉफी है। उसके बाद जो जी वाला है द चाइल्ड्स कार्ट, चाइल्ड्स कार्ट में डी के ऊपर अपोस्ट्रॉफी आएगी। एच वाले में लेडीज़ ब्लाउजेज, तो लेडीज़ में एस के बाद एस के ऊपर अपोस्ट्रॉफी। और यहाँ पे आई वाला है मदर्स गार्डन, मदर्स में आर के ऊपर अपोस्ट्रॉफी है।
उसके बाद जे वाला देखें, शॉज प्लेस, तो शॉज में W के ऊपर एपोस्ट्रॉफी है, S से पहले है, ठीक है। के वाले में पुलिस मैंस विसल, पुलिस मैंस में N के ऊपर एपोस्ट्रॉफी है। और L वाले में अमीराज नोस, अमीराज में S से पहले और A के ऊपर एपोस्ट्रॉफी। एंड M वाले में बर्ड्स नेस्ट, बर्ड्स में D के ऊपर है और S से पहले, बर्ड्स नेस्ट, ठीक है। तो ये आपको पिक्चर्स भी मिल जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग आप इसे चेंज कर लीजिएगा जो भी करेक्शन होने वाली है इसमें। और इसको याद भी आपने करना है जब आप नोट करोगे, और कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करके, जिस तरह से एडजेक्टिव और ये एडवर्ब का था, तो फिर ही आप इसको सॉल्व कीजिएगा और इसको याद कीजिएगा।